तो आज हम बतलाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जिसके कारण एक सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में या गैस सॉलिड में आखिर एक दूसरे में कन्वर्ट वे किस प्रकार होते हैं, किस किस फैक्टर पर वे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण के लिए सबसे पहले देखते हैं आइस को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी प्रकार वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम करके आइस बन जाता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि 0 डिग्री पर होता क्या है? आइस वाटर में बनता है या वाटर आइस में बनता है? बोलो, 0 डिग्री पर क्या होता है? अगर आइस होगा तो 0 डिग्री पर वाटर में कन्वर्ट होगा, और अगर वाटर होगा तो 0 डिग्री पर आइस बन जाएगा। आइस बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्थिति बना हुआ होता है। सॉलिड लिक्विड में चेंज होते रहता है और लिक्विड सॉलिड में सॉलिड चेंज में होते चेंज रहता होते है। रहता है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो यह मेल्टिंग कहेंगे, और अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो इसे हम लोग फ्रीजिंग फ्रीजिंग कहेंगे। कहेंगे। हम लोग ये क्यों होता है इसको समझने के लिए एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को देखते हैं। जितना भी ये कन्वर्सन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केवल दो ही फैक्टर काम करता है, और वो है प्रेशर और टेम्परेचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ओपन एटमॉस्फेयर में सारी बातें की जाए तो ओपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 ATM, लगभग 1 ATM प्रेशर मान के चलते हैं। और क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट होता है इसलिए हमने यहाँ पर 1 ATM प्रेशर को लिख करके एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दिया है। जो भी चीज़ें हमें देखनी है उसमें प्रेशर हमेशा कितना होना चाहिए? 1 ATM होना चाहिए। तो मान लिया जाए ये आइस के बारे में हम लोग देखें। ये बताओ यहाँ पर ये जो लाइन ड्रा किया हुआ है तो इस लाइन के दाहिने साइड में लिक्विड स्टेट रहेगा और इस लाइन के बाएं साइड में सॉलिड स्टेट रहेगा। अगर कोई पॉइंट इस लाइन के इस तरफ आता है तो वो कहलाएगा सॉलिड में है, और अगर वो इस लाइन के उस पार जाएगा तो वो कहलाएगा लिक्विड में है। ठीक है, मान लो आइस, सारा प्रोसेस हम लोग 1 ATM पर ही करेंगे। मान लेते हैं कि आइस -15 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताओ -15 डिग्री सेल्सियस पर और 1 ATM पर जो पॉइंट यहाँ पर आया वो सॉलिड में आया या लिक्विड में आया? सॉलिड में इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइस को 1 ATM प्रेशर पर -15 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए तो वह आइस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम लोग उसी आइस को -10 डिग्री सेल्सियस में रखें और 1 ATM प्रेशर में रखें तो ये पॉइंट आएगा। बताओ ये पॉइंट क्या बताता है? सॉलिड में यानी कि अभी भी -10 पर भी आइस सॉलिड ही सॉलिड में रहेगा। ही बताओ -5 पर ये आइस क्या रहेगा? सॉलिड में रहेगा। सॉलिड में रहेगा। बताओ 0 डिग्री पर ये आइस किस में रहेगा? इन दोनों में रहेगा। आइस 0 डिग्री पर आ गया यानी आइस लिक्विड में चेंज करना चालू होगा, और जो लिक्विड बनेगा वो वापस, वो आइस यानी बनेगा। कि ये जो पॉइंट है ये दोनों के बीच में यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम को शो करता है। इसी प्रकार अगर वही आइस को हम 5 डिग्री सेल्सियस कर दें तो अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, सॉरी ऊपर चले वन जाओ, डिग्री हाँ सेल्सियस यहाँ पे चला आया आया ना। अब बताओ ये आइस अब किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड यानी 5 डिग्री सेल्सियस में अब वो लिक्विड में चला आया, और 10 डिग्री सेल्सियस में वो कहाँ चला आएगा? लिक्विड में। में, और 15 डिग्री में भी कहाँ चला आएगा? लिक्विड में तो इस तरीका से हम देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पर यह ग्राफ हमें यह बताता है कि अगर टेम्परेचर हमारा, सॉरी अगर प्रेशर हमारा बिल्कुल कांस्टेंट रहे,
प्रेशर हमारा बिल्कुल क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो अलग अलग टेम्परेचर पर उस सबस्टांस का स्थिति सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, इस चीज को मालूम किया जा सकता है। और अब बाकी इस लाइन के बारे में सोचो, अगर ये प्रेशर 1 atm नहीं होता, अगर ये प्रेशर मान लिया जाए 1 atm के जगह पर हम लोग 0.5 atm लेते हैं, अगर हम लोग कितना लेते हैं 0.5 atm लेते हैं, तब बताओ -15 पर ये सॉलिड में आएगा, -10 पर भी किस में आएगा, सॉलिड में, -5 पर भी कितना आएगा, 0°C पर क्या आएगा, सॉलिड में आएगा, 5 degree पर भी क्या आएगा, सॉलिड में आएगा, लेकिन 10 degree पर ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आएगा ना, और जैसे ही 15 degree होगा तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी तुमने क्या देखा, प्रेशर को बदल देने से, है ना, प्रेशर को बदल देने से हमने क्या देखा कि आइस अब 10°C पर जो है ना, वो मेल्ट करना चालू करेगा, जबकि 1 atm पर वो 0° पर मेल्ट कर रहा था और 0.5 atm पर वो 10° पर मेल्ट कर रहा है। अगर मान लिया जाए हम इस प्रेशर को बढ़ा करके कर देते हैं 2 atm, तो 2 atm में क्या देखते हैं, -15° पर जो है वो अभी भी सॉलिड होगा, -10° पर क्या होगा, सॉलिड होगा, लेकिन जैसे ही -5° होगा अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो पॉइंट इस लाइन के दाहिने साइड में चला गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर और टेम्परेचर एक ऐसा ग्राफ है, प्रेशर और टेम्परेचर एक ऐसा ग्राफ है कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यू के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि जो दिया गया सबस्टांस है वो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। क्लियर? ये जो डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं किसी भी सबस्टांस का फेज डायग्राम। फेज यानी कोई भी सबस्टांस या तो सॉलिड फेज में होता है या लिक्विड फेज में होता है या गैस फेज में होता है, यही उसका 3 फेज है। तो उस सबस्टांस के तीनों फेज सॉलिड को, लिक्विड को और गैस यानी वेपर को, तीनों चीज को यहाँ दिखाया गया है। अब वह सबस्टांस कितना डिग्री सेल्सियस पर किस स्टेट में रहेगा, इस चीज को देखने के लिए हम लोग प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम को हम लोग फेज डायग्राम के नाम से जानते हैं। ध्यान दो, इसमें एक ऐसा लाइन ड्रा किया गया है जो लिक्विड और सॉलिड को अलग कर रहा है, तो ये जो लाइन होगा ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम लाइन होगा। यानी इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएंगे, इस पर जो भी पॉइंट आएंगे वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम को शो करेगा। ये जो लाइन देख रहे हो, यह लाइन सॉलिड और वेपर के बीच के इक्विलिब्रियम को शो करेगा, और इसी तरीका से यह वाला जो लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम को शो करेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं दोबारा हमारे पास आइस को लिया गया है, तो क्योंकि आइस क्या है, आइस एक सॉलिड स्टेट है, तो जब आइस एक सॉलिड स्टेट है तो हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि अगर मान लेते हैं वो -5°C पर हो और एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना हो, 1 atm हो, तो 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर और -5°C पर वो आइस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे ही 0°C होगा वैसे ही वो सॉलिड में रहेगा तो वो लिक्विड में जाना चाहेगा, लिक्विड में रहेगा तो सॉलिड में आना चाहेगा, यानी वो इक्विलिब्रियम पर आएगा, क्योंकि आइस 0° पर पिघलता है और पानी 0° पर आइस बनता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 10°C लेंगे वैसे ही अब ये जो आइस है वो लिक्विड फेज में चला जाएगा, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर 90°C लेंगे वैसे ही वो पानी और अधिक गर्म हो जाएगा,
और जैसे ही 100 डिग्री आएगा वैसे ही 100 डिग्री में जो पानी होगा वो गर्म होकर के भैपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो भैपर होगा वो 100 डिग्री पर पानी में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा लिक्विड और भैपर के बीच में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट आया है कि इस कॉमन पॉइंट से रिलेटेड जो भी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर आ रहा है ना, तो इस टेम्परेचर और प्रेशर के सेट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? ये टेम्परेचर और प्रेशर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जिस पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ रह सकते हैं, यानी वाटर सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। इसी टेम्परेचर प्रेशर के समूह को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, यानी ट्रिपल पॉइंट केवल टेम्परेचर नहीं होता है बल्कि ये टेम्परेचर और प्रेशर का समूह होता है। सोचो अगर हम लोग 1 atm प्रेशर को हम लोग कम करके यहां पर ले आए, 1 atm के जगह पर मान लेते हैं 0.4 atm प्रेशर हम कर दें, तब क्या देखते हो? तब हम देखते हैं कि -5 डिग्री पर वो आइस सॉलिड में ही है ना, और 0 डिग्री के कुछ पहले जो है अगर देखा जाए तो वो सॉलिड में ही है। 0 डिग्री सेल्सियस के कुछ पहले वो अभी भी क्या है, सॉलिड और भैपर के बीच में इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा वैसे ही अब वो भैपर स्टेट में आएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, पहले पहले वो किस स्टेट में था? सॉलिड में था, और फिर किस में आ गया? भैपर में आ गया। तो सॉलिड से भैपर में आने के प्रोसेस को ही सबलिनेशन कहते हैं और भैपर से सॉलिड में जाने को भी सबलिनेशन कहते हैं। यानी तुमने क्या देखा, इसमें हुआ क्या कि जब हम प्रेशर को 1 atm से घटा करके 0.4 atm कर दिए तो प्रेशर डाउन हो गया। प्रेशर डाउन होने के चलते फेज डायग्राम में ये जो इक्विलिब्रियम का स्थिति आ रहा है वो इस तरीका से ये लाइन खींचा गया कि यह लाइन सॉलिड और वेपर के बीच में आ गया। यही कारण है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए वह पहले सॉलिड स्टेट में था, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वह इक्विलिब्रियम में आया और वह इक्विलिब्रियम सॉलिड और वेपर के बीच में था, और जैसे ही उसके टेम्परेचर हाई हुआ वैसे ही वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया। समझ में आया? अगर हम लोग तो इस तरीका से हम लोग क्या देखते हैं, दुनिया में हर एक वस्तु का अपना खुद का एक ट्रिपल पॉइंट होता है और दुनिया का हर एक सबस्टांस को प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से है ना सॉलिड लिक्विड और गैस इन तीनों फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर?